मुझे वन टाइम वॉच लगी, आई थिंक और अच्छी हो सकती थी, एग्जीक्यूशन और अच्छा हो सकता था, बट नेवरदलेस इट्स अ गुड अटेम्प्ट बाय वर्धन केटकर जो इसके डायरेक्टर हैं. इट्स अ वन टाइम वॉच और बहुत ही थ्रिलिंग है, बहुत ही मिस्टीरियस है, लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, राइट टिल द एंड यू विल बी ग्लूड टू द सीट. तो अच्छी है, वन टाइम वॉच बोल सकते हैं. उम्मीद क्या थी ट्रेलर देखने के बाद, सबसे ज्यादा उम्मीद क्या थी मूवी को? मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये थदम एक तमिल मूवी थी जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, हमें लगा कि एक बार फिर से एक एडेप्टेशन, बट वो एडेप्टेशन काफी अच्छे से बनाया गया है एंड इट इज डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच. मूवी का नाम बुमराह है, कितना फिट बैठ रहा था पूरी मूवी में? शुरू में तो पहला हाफ लगा कि हम लोग ही गुमराह हो रहे हैं, तो लेकिन हम लोग गुमराह नहीं हुए. सेकेंड हाफ में इट गोज टू अनदर लेवल और फिर जो डबल रोल है आदित्य रॉय कपूर का, ही हैज़ डन जस्टिस टू हिज रोल, तो इट इज़ ओनली वॉचेबल बिकॉज ऑफ हिम. बाकी वेदिका पिंटू आई और गई, मृणाल ठाकुर का बहुत अच्छा रोल है पुलिस ऑफिसर का, आई थिंक उनको और स्क्रीन कवरेज मिलना चाहिए था, बट शी लुक्स वेरी स्पंकी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आउटस्पोकन, तो उस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रोल एज अ पुलिस ऑफिसर. और वो जिस तरह इन्वेस्टिगेट करती हैं और नए नए एंगल्स आते हैं, तो सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा लगा. दो रोल है, सबसे बेहतर रोल कौन सा लगा? देखिए दोनों रोल मुझे ये लगा कि लास्ट तक वो देखते हैं कि कौन सस्पेक्ट है, तो मुझे क्लाइमेक्स बहुत अच्छा लगा. हालांकि लोगों को थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल लग सकता है या जिन्होंने साउथ इंडियन मूवी देखी है, बट मुझे लगा कि उन्होंने पूरा जस्टिस किया. बहुत ही अच्छा रोल है आदित्य रॉय कपूर का, इट्स अ न्यू शेड इन हिज करियर, मतलब एक नया ये उन्हें वाइड रेंज ऑफ रोल्स ही डज, सो अच्छा लगा उनका रोल देख के. मृणाल ठाकुर एज अ कॉप, परफेक्ट कॉप. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक शी इज अ वेरी अंडररेटेड एक्टर. देखिए जर्सी मूवी में उनका बहुत छुई मुई लड़की का रोल था, तो ये मूवी में उनका बहुत अलग तरह का रोल है एंड शी हैज डन जस्टिस टू हर रोल. कहीं भी मुझे ओवर द टॉप नहीं लगा, बिल्कुल जैसे बेस्ट सूटेड टू, मतलब बहुत अच्छा सूट हुआ है उनका रोल. फर्स्ट हाफ मुझे बीच में थोड़ा सा स्लो पेस लगा और रैंडम सीन्स थे, बट सेकेंड हाफ आते आते देर आर लॉट ऑफ थ्रिलिंग इंट्रीगिंग मोमेंट्स, इंटरेस्टिंग है, इंजॉयबल है, इंटरटेनिंग है. तो जैसे मैंने कहा डेफिनेटली वन टाइम वर्धन केतकर का डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है विनीत मल्होत्रा की, एडिटिंग क्रिस्प है, 2 घंटे नॉमिनेट, तो जो इसके एडिटर है साहिल नैयर उनको मैं बोलना चाहूँगा, तो इन ऑल द एस्पेक्ट्स इट्स डेफिनेटली वन टाइम वॉच. हाँ अभी रोनित रॉय को भी वो रोबदा रोल दिया जाता है हमेशा, मुझे उड़ान मूवी में जो उनका रोल था रोबदा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत स्टिफ हैं और बहुत एक्सप्रेशनिस्ट हैं, बीच में रेपिटेटिव हो जाता है उनका रोल, तो उनका भी रोल है मूवी में. बाकी रोनित रॉय हैं, एक जो हमारा हमेशा इंटरव्यू लेते दीपक कालरा, उनका भी रोल है चेड्डी का, तो उन्होंने बीच में बहुत हंसाया, तो भाई उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा इंटरव्यू लेते रहते आप इतने बड़े एक्टर बन के, उनको काफ़ी स्क्रीन कवरेज मिला है मूवी में, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा. स्टार्स की बात करें, मृणाल ठाकुर को 5 में से कितने स्टार्स? मृणाल ठाकुर को 4 स्टार्स, मुझे लगता है कि उन्हें और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, बट एज फार एज आदित्य रॉय कपूर इज कंसर्न आई विल गिव हिम 5 out of 5, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने, बहुत ही ओवरऑल मूवी को मैं 3 स्टार्स दूंगा. वन टाइम वॉच है, म्यूजिक भी अच्छा है, बहुत सारे गाने मतलब बहुत ही मीनिंगफुल और अच्छे हैं, सिचुएशनल है, बहुत हमेबल है, तो आई विल गो विथ 3 स्टार्स. बट आदित्य रॉय कपूर ही हैज ट्राइड एक्सपेरिमेंटेड अ डिफरेंट रोल टू 5 out of 5. मृणाल ठाकुर को और स्क्रीन टाइम मिलता तो अच्छा था, बट नेवरदलेस 4 स्टार्स, आई विल गो विथ 4 स्टार. 2 स्टार आपने माइनस क्यों माइनस करो? देखिए एडिटिंग तो क्रिस्प है, हम लोग एडिटिंग की हमेशा कंप्लेंट करते हैं, एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, लेकिन एग्जीक्यूशन और ज़्यादा फर्स्ट हाफ में इंट्रीगिंग हो सकता था, तो 1 स्टार तो वहाँ गया. और 1 स्टार मुझे लगा कि क्लाइमेक्स थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गया, अभी एडेप्टेशन है तो उन्होंने वही एडेप्टेशन दिखाया, बट वो कहीं ना कहीं लगा कि यू नो वी न्यू व्हाट इज गोइंग टू बी इन द एंड, तो और थ्रिलिंग क्लाइमेक्स हो सकता था, बट इट्स ओके, इट्स मतलब अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट देखने को मिला. फेवरेट फिल्म है, वन टाइम वॉच है, और यहाँ पे जो आपके जैसा जो थे उसका है, वो हमेशा ड्रेस बदल किया था, उसका नाम है दीपक कालरा, उसका काम अच्छा लगा, चड्डी बनाया उसमें. उसका एवरेज काम है, उसका मृणाल ठाकुर का दादा अजीत रॉय मेन है, डबल रोल में है. मूवी का टाइटल कितना कैची लग रहा था मूवी को देखने के? वो मर्डर मिस्ट्री जो दिखाया ना, उसका टाइटल जो है दोनों भाई रहता है, ट्विंस रहता है, तो उस कितने मर्डर किया वो पता नहीं चलता है, इसके लिए ठीक टाइटल तो सूटेबल है. गुमराह सेकेंड हाफ सबसे बेहतर हाफ कौन सा लगा? सेकेंड हाफ में बेस्ट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा. और क्लाइमेक्स कैसा था? क्लाइमेक्स ठीक है, सब जो जज ने जो जजमेंट दिया है वो ठीक है, अच्छा था. डायरेक्शन वाइज दो रोल है, तो फर्क दिख रहा था कि ये अलग है ये. हाँ दिख रहा था, दिख रहा, नेगेटिव रोल वाला अच्छा दिख रहा था.
दोनों में से नेगेटिव रोल अच्छा लगा। ठीक है, एडिटिंग कैसा लगा? एडिटिंग अच्छा था, इससे अच्छा और भी बना सकते थे, जैसे डबल वाली बहुत सारी फिल्म आई है ना, तो पता नहीं कहाँ कहीं भी कुछ गड़बड़ है, इसके लिए तीन देंगे। मृणाल ठाकुर की एक्टिंग, उसका कुछ खास नहीं है, ऐसा एवरेज मुझे तो लगा, उसका कुछ खास नहीं है, जैसा जैसा इंस्पेक्टर में तबू जैसी दिखती है रफ, वैसा वो रफ नहीं दिख रही है। पाँच में से पाँच दे सकता हूँ, दोनों रोल अच्छा है उसका। और मूवी को तीन, गुमराह जो टाइटल दिया है ना, गुमराह करीब करीब तीन चार बार पिक्चर बन गई है, मैंने भी तीन चार बार देखी है, संजय दत्त की थी, उसके पहले थी, उसके एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन ये बहुत बार बन चुकी है, और ये प्लांड वे में पुलिस को गुमराह करने का जो तरीका है वो बताया है। और मृणाल ठाकुर का रोल अच्छा है, उसने रोल अच्छा किया है। आदित्य का दो किरदार, डबल रोल है, एक अच्छा एक खराब, दोनों रोल किया है उसने, ठीक ठाक है। मतलब कास्टिंग वाइज कैसी लग रही है? परफेक्ट कास्टिंग लग रही है, आदित्य रॉय मृणाल ठाकुर अपनी जगह पे, कास्टिंग वाइज कि कोई ऐसा अलग किरदार आप एक्सपेक्ट कर सकते थे उस रोल में? नहीं, इसमें मतलब देखिए वैसा कोई सीन भी नहीं है कि इसकी जगह ये हो तो और अच्छा कर सके, नॉर्मल मूवी है, और बुद्धि की लड़ाई बताई है इसमें कि किस किस को मार खाता है और कौन कौन गेम खेलता है, और गुमराह जो नाम दिया है गुमराह करने का है बस। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ सबसे बेहतर आप कौन सा लगा, क्यों? फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में से इंटरल के बाद पता चलता है कि इन लोग दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरा को सपोर्ट करते हैं। डायरेक्शन वाइज, एडिटिंग वाइज, सिनेमैटिक, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है उसमें। देखिए गाने कितने थे? गाने दो थे, एक लास्ट में था अल्लाह के बंदे वो, और एक पहला गाना था वो थोड़ा अच्छा था। सबसे अच्छा गाना कौन सा लगा? वही पहला वाला जो गाना था अच्छा। स्टार्स की बात करें, आदित्य रॉय को कितने स्टार्स दोगे पांच में से उनकी एक्टिंग दोनों किरदारों में? देखिए आदित्य रॉय की एक्टिंग में पांच में चार बनते हैं, मृणाल ठाकुर का भी पांच में चार बनते हैं। ओवरऑल मूवी को कितने स्टार्स? पांच में। ओवरऑल मूवी को तीन स्टार देंगे। दो स्टार कम कर लो। हाँ। लगाओ कि वो दो स्टार आपसे कम। मतलब कुछ नवीनता नहीं है इसमें, पुराने घसीटे पसीटे हुए फॉर्मूले पर ही पिक्चर बनी है। न्यू स्टोरी, न्यू कुछ नहीं, न्यू इसमें क्या है, ऐसी बहुत पिक्चर बन चुकी है। एज अ ऑडियंस क्या एक्सपेक्टेशन था जब गए थे स्टोरी देख के, जब ट्रेलर देखा, क्या एक्सपेक्टेशन थे उस पे जो मूवी खड़ी नहीं उतरी आपकी? मारपीट का ज्यादा एक्शन मूवी, ट्रेलर में एक्शन ज्यादा दिखाया था, इसमें भी एक्शन है लेकिन उतना नहीं जितना ट्रेलर में बताया, मेन वही बता दिया उसने। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। पहली बात है कि मैं ट्रेलर देख के मुझे अच्छा लगा था, और ट्रेलर देख के अच्छा लगा तो मतलब मूवी भी अच्छी होगी, तो मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी, इसके लिए मैं इंटरवल में इसका मैं रिव्यू भी नहीं दिया, और मैं बोला पूरा देखने के बाद ही दूंगा। तो मूवी मतलब पब्लिक जो है आज जो है वो भी गिने चुने जो है, हम लोग जूने ही आए हैं, और पब्लिक जो है कोई बोल रहा है रीमेक है क्या है, मैं पिक्चर तो देखा नहीं, मैं पहली बार देखा, तो सबसे पहली बात है कि मैं रोनित राय को देखने आया है क्योंकि उनका एक्टिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, काम अच्छा है, लेकिन मूवी इज नॉट बेस्ट। उम्मीद क्या इसके खड़ी नहीं है? उम्मीद यह है कि जिस हिसाब से इन लोग ने पहले स्टार्टिंग में ही जो मतलब जो मर्डर किया उसमें ही पहले स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ मतलब जिस हिसाब से मतलब उसको नज़रअंदाज रखना चाहिए, मतलब सस्पेंस में नहीं रखे, ओपन कर दिए, वहीं से दिमाग पब्लिक का जो है ये हो गया, कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। देखो डबल रोल उसने डायरेक्शन सही किया है, डबल रोल में नहीं है, मतलब कई ऐसे जो है आज तक जो है हम लोग अमिताभ के डबल रोल में देखते थे, बाप बेटे का रोल जो है करते थे तो सुपर हिट ब्लॉक बूस्टर होती थी, और आज के तारीख में कोई हीरो अगर बाप बेटे का रोल करे तो एक आदमी भी नहीं आए, बराबर है, तो इसमें जो डबल रोल उन्होंने की है सही ही है, लेकिन मूवी में मतलब इतना कुछ जान कोई ऐसा कुछ चीज़ डाल नहीं सके कि मतलब मूवी पब्लिक देखे, कि हम लोग उसी हिसाब से रिव्यू दे। हाँ, देखो ठीक था, ठीक है, देख रहे हाल ही में काफी सारे टॉप किरदार आ रहे हैं। हाँ, वो हिरूनी ज्योत रहती वही ना, वैसा वैसा किरदार लग रहा था।
इतना कुछ खास नहीं, मुझे तो इंस्पेक्टर का थोड़ा ठीक लगा, इंस्पेक्टर का जो रोल काम की है ना वो लड़की अच्छी थी। सबसे हाफ कौन सा अच्छा लगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ? ठीक है, पहली बात क्या है मालूम है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है ना, सिर्फ मेरे को इसमें जो है ना जो दिखा ना, इसमें जो माँ का रोल जो दिखा, इसमें माँ का रोल जो यू नो सपने में बताया वो थोड़ा सीन थोड़ा अच्छा लगा, छोटे बच्चे में और ये दोनों का क्यों ये होता है वो थोड़ा ठीक लगा। उसके बाद जो फर्स्ट हाफ भी नॉइज बेस्ट और सेकेंड हाफ भी नहीं कुछ अच्छा लगा। पाँच में से कितने स्टार देना? एक स्टार, वन स्टार।